फाइनली भागते भागते हमने अपनी ट्रेन पकड़ ली है वापस लुसर्न जाने के लिए, और DDLJ का सीन भी रिक्रिएट करने की कोशिश की है हमने भागते हुए। ट्रेन को 3-4 मिनट ही बचे थे जब बस से आए थे, तो हमको रैली में भागना पड़ा। हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, लेक लुसर्न के साइड में वेट कर रहे हैं अपने बोट का। इससे पहले हम एक इंडियन रेस्टोरेंट में गए थे लंच के लिए, उस रेस्टोरेंट का नाम ही है इंडियन रेस्टोरेंट और कुछ नहीं। वहाँ पे हम लोग कुछ वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि टाइम नहीं मिला और भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी। इंडियन खाना मिला था 3-4 दिनों के बाद। नहीं, 3-4 दिनों के बाद नहीं, टॉप ऑफ यूरोप में खाए थे लेकिन उसको काम नहीं कर रहे। हाँ, वो वैसा टेस्ट नहीं था ये प्रॉपर। हमने सोचा था शूट करेंगे लेकिन फिर ध्यान ही नहीं रहा, भूल गए। और फिर अभी आए हैं, 5:30 हो रहे हैं अभी, तो अभी हम एक बोट राइड करेंगे शायद। वो जब रिटर्न आएंगे तो एक बोट राइड होगी 1 hour 6 to 7, वो हम करने वाले हैं अभी। आफ्टर बोट राइड फिर चलेंगे म्यूजियम। और घंटी की आवाज़ आ रही है चर्च से, बहुत ही सुंदर चर्च दिख रहा है सामने। और सारे चर्च स्विट्ज़रलैंड के एक ही जैसे ऊपर टॉप पे होते हैं, पॉइंटी टॉप होता है इनका। बहुत सुंदर नज़ारा है लुसर्न शहर का। ये बस स्टैंड है सामने यहाँ। यह है वेटिंग स्टेशन बोट राइड करने के लिए। डक को भी करना है बोट राइड। यहाँ पे भी फनिकुलर किया जा सकता है। हम सुबह गए थे स्पेशली वहाँ फनिकुलर करने के लिए। बोट राइड के थ्रू सिर्फ 15 मिनट्स में यहाँ पहुँच गए हम, और 15 मिनट्स में आके यहाँ पे भी फनिकुलर किया जा सकता है। ये रहा उसका ट्रैक फनिकुलर का। यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, मीन्स कितना ऊंचा है वो नहीं पता, लेकिन लग तो सेम ही हाइट पे रहा है। तो टाइम अगर सेव करना है तो हमको तो इसके बारे में पहले पता नहीं था, इसलिए हम वहाँ चले गए थे माउंट स्टोज पे। उसमें तकरीबन 1 hour का ट्रैवल था, बस से जाना था फिर ट्रेन। हाँ, वैसा समझ लो आप वेट करते हो, वेटिंग टाइम मिला के 1.5 hour का था। ट्रैवलिंग टाइम बच जाएगा, प्लस ये सिटी से आप लोगे तो फेरी राइड भी हो गई और ये इसकी राइड भी हो गई, तो एक पंथ दो काज प्लस टाइम सेव होगा। तो जो सुबह का टाइम हम वहाँ गए सिटी से दूर, और वो फनिकुलर किया स्पेशली, वो हम कहीं माउंट रिगी या फिर टिटलेस कहीं पे भी जा सकते थे। उसमें हम पूरा जाने में थक गए, आने में करने में वो राइड, उसके बाद फिर हमारी टाइम बचा ही नहीं, एनर्जी बची नहीं। तो बेटर है कि ये सिटी वाला कर ले, फेरी राइड प्लस फनिकुलर दोनों हो जाएगा, और जो मॉर्निंग का टाइम बचता है उसमें आप टिटलेस जाके आ जाओ या फिर माउंट रिगी, जो भी चूज करना हो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। और अब ये बोट आगे चल पड़ी है। All of the wrong things, but you're always there to guide me. I used to be afraid to fall in love. Land monument. अब आरव बताएगा इसके बारे में। Tell me, आरव. जो स्पेन सोल्जर्स थे, उनमें कोई उनके वजह से स्विस सोल्जर्स मारे गए थे, तो उनका ये सिंबल है लायन मॉन्यूमेंट, कि लायन को दिखाया है कि वो अभी डायर है और स्विस सोल्जर्स भी डायर थे, तो दिखाया है वो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप स्विस सोल्जर्स को, स्विस सोल्जर्स एज अ लायन रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लोग। हाँ। और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो स्विस सोल्जर्स मारे गए। हाँ, वे उनको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक लायन में, एक लायन के रूप में उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेरी गुड। अब थोड़ा और अच्छे से हमको डैडी समझाएंगे। यस डैडी, डैडी वही समझाएंगे जो आरव ने समझाया है। एक बच्चा देना एक बड़ा। ये सोल्जर्स मारे गए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे, तो उनको उनके मेमोरी में ये बनाया गया है
और ये डाइंग लायन स्टैच्यू है जो रिप्रेजेंट कर रहा है उन सोल्जर को जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम मारे गए थे, उनके मेमोरी में ये स्टैच्यू बना है। जिस भी आर्टिस्ट ने ये बनाया है कितना जबरदस्त बनाया है, इसके फेशियल एक्सप्रेशन से लेके बॉडी पोस्चर एवरीथिंग इज वेरी नाइस, सॉलिड है पूरा, पूरा मस्त है, लग रहा है कि अभी रियल में हो। ये भी एक इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे, कांची इंडियन रेस्टोरेंट, जो ये लायन मॉन्यूमेंट पे आए थे उसके जस्ट पास में ही है ये। यहाँ पे 6 बजे तक सारे सुपरमार्केट सब बंद हो जाते हैं और संडे ऑलमोस्ट शॉप्स क्लोज रहती है, सिर्फ सुपरमार्केट्स को छोड़ के कुछ भी लेना चाहते हो। वैसे तो खैर बाहर के टूरिस्ट आएंगे तो वो दूसरे कुछ क्या ही लेना चाहेंगे, सुपरमार्केट में 5 बजे तक, कोई कोई 6 बजे तक ओपन रहती है। अब हमने ले ली है बस और वापस जा रहे हैं अपने, कहाँ जा रहे हैं? ले जाएंगे स्टेशन, स्टेशन से फिर कुछ डिनर का इंतजाम करके फिर जाएंगे अपार्टमेंट। गुड इवनिंग एवरीवन, अभी 9 o'clock हो गए हैं और हम अपने अपार्टमेंट में आ गए। ये हमारा अपार्टमेंट यहाँ और आज का दिन फिनिश, बहुत अच्छा रहा आज का दिन, सुबह से सारी एक्टिविटी जो भी हमको करनी थी सब हो गया है। अब आज हमारा यहाँ लास्ट डे है स्विट्जरलैंड में, कल हम कहीं और जा रहे हैं। वो स्टार्ट होता है पीसे। ओके, आई एम आस्किंग यू डेरा, आर यू एक्साइटेड? फुल एक्साइटेड। आर यू एक्साइटेड आर? यस, बट आई वांट टू लिव हियर। बोला नहीं जाती है। यू वांट टू लिव इन स्विट्जरलैंड? यस, बट वहां और मजा आएगा। वहां तो क्या, न्यू कंट्री, न्यू बिगिनिंग, न्यू जर्नी। तो फिर मिलते हैं कल आपसे एक नए शहर में। तो ये था मेरा, ये था हमारा अपार्टमेंट, इसका मैंने टूर नहीं दिया क्योंकि हम कल आए थे तब बहुत थक गए थे, निशान की भी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो फिर कुछ टूर नहीं इसका मैं रिकॉर्ड कर पाई। तो नेक्स्ट अब जहाँ जा रहे हैं हम, ट्राई करूंगी वो रिकॉर्ड करने का। तो मिलते हैं फिर आपसे कल। हेलो एवरीवन, हम लोग आ चुके हैं पेरिस, ट्रेन से आए हम लोग स्विट्जरलैंड से यहाँ पेरिस, और अभी लोकल लेके हम आ चुके हैं अपना जहाँ हमने अपार्टमेंट लिया है। मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में। ये हमारा अपार्टमेंट पेरिस में, सारे क्रॉकरीज रखे हुए यहाँ पे, सोफा, बेड, ये निशांत, और ये रूम में ही बालकनी ओपन होती है जो आपको डायरेक्ट बाहर लेके जाती है, बालकनी नहीं, आउट ग्राउंड फ्लोर है इसलिए वो। हाँ, ग्राउंड फ्लोर पे है ये अपार्टमेंट, तो ये आउटर एरिया में ही लेके जाती है डायरेक्ट, ये डोर ओपन होता है और डायरेक्ट ये बाहर का एरिया है, बाहर टेबल एंड चेयर लगी हुई है बैठने के लिए, मैं थोड़ी देर में दिखाती हूँ। इधर की मुझे एक अच्छी चीज लगी, यस, ये कबर्ड एंड टेबल, सब बेडिंग, एक्स्ट्रा बेडिंग, वॉशरूम, वॉशरूम भी काफी अच्छा लग रहा है, हेयर ड्रायर वगैरह सब कुछ है। बस ये है बाथरूम, किचन में वॉशिंग मशीन भी है, छोटू सा किचन है, क्यूट सा ओवन, टोस्टर, हॉट वाटर कैटल, सारे यूटेंसिल्स, कॉफ़ी मशीन, कॉफ़ी मेकर वगैरह सब कुछ है, तो सारी चीज़ें, बस छोटू सा है, फ्रिज। एक दिन रहना है यहाँ पे, आज का दिन और कल का दिन, आज तो आज का तो दिन निकल ही गया है। किचन काफ़ी सही है, छोटा सा है, 2 दिन के लिए क्या ही करना है। ये रूम के बाहर का नज़ारा, यहाँ पे लगी हुई है टेबल चेयर, और ये वाला वो डोर है जो रूम से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। और वेदर काफी अच्छा है पेरिस का, स्विट्जरलैंड में कहीं गर्मी थी, कहीं थोड़ी ठंडी थी, ज्यादा थी, कहीं स्नोफॉल ही हो रहा था, तो स्विट्जरलैंड में मिक्स वेदर था। अभी हम जा रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट, और वो इंडियन रेस्टोरेंट का नाम है स्वागत। यस, भूख लग गई है, सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह भी कुछ किया नहीं था ऐसा ढंग से, बस चाय बिस्किट और थोड़े बहुत जो स्नैक्स हम साथ में लेके आए थे वो कर लिया था। तो अभी पेरिस पहुंचने के बाद अब हम जा रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट। हाँ, ये गलियाँ पेरिस की, अंदर की गलियाँ है ये सिटी के। हाँ, ये देख के तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि पेरिस में है।
और हमने आते टाइम पे मेट्रो का पास भी ले लिया है 2 दिन के लिए, आज और कल 2 दिन है हम यहाँ पे, तो 2 दिन के लिए हमने मेट्रो का पास भी ले लिया है। तो अभी हम मेट्रो स्टेशन जाएंगे और फिर वहाँ से 4 या 5 स्टेशन के बाद है रेस्टोरेंट स्वागत, वहाँ जाएंगे। फाइनली हमने अपना चेंज कर दिया है रेस्टोरेंट, क्योंकि जब गूगल मैप पे हमने सर्च किया तो ये होटल ताज बहुत पास था स्वागत के, तो इसलिए हम यहाँ आ गए। ये वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था तो जस्ट वॉक करते हुए हम यहाँ पे आ गए। 5 to 7 minutes के वॉक के बाद ही हम यहाँ पहुँच गए रेस्टोरेंट ताज महल। देखते हैं अब कैसा है यहाँ पे खाना। चलो रेडी हो गए हम सब, कल से आए थे, कल ही जाना था, लेकिन कल आफ्टर लंच हम तीनों में से किसी की भी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो मेडिसिन मेडिकल शॉप पे गए, दवाई ली और तीनों खा के सो गए। तो आज है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और फाइनली आज हम जा रहे हैं जहाँ हम कल से जाना चाह रहे थे। तो सबसे पहले अभी जाएंगे किसी भी रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर चलेंगे। फिर कहाँ चलेंगे और अब कहाँ चलेंगे? एफिल टावर। ये तो फिर चलेंगे हम एफिल टावर। लेट्स गो लेट्स गो।